फैसला करने दे रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्ट्रीट फूड रेसिपीज। आज हमारी टीम आई है नागपुर में ब्लैक इडली ट्राई करने। जी हाँ, ब्लैक इडली जो आपने कभी ट्राई किया नहीं होगा ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए देखते हैं ब्लैक इडली कैसे बनती है। ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनती है इडली ब्लैक इडली। तो ये देखिए, ये क्या है ना ब्लैक कलर जो आपने डाला। ब्लैक कलर जो डाला जाता है वो कोकोनट शेल और उसके आउटर लेयर से बीट का पल्प, बीट का जूस और साथ में संतरे के छिलके डाले जाते हैं और उसको भून के ट्रेडिशनल तरीके से उसको बनाया जाता है। भूनते भूनते ही बनाया जाता है इसको। इसको जलाने के बाद में और भूनने में बहुत फर्क आता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। तो ये देखिए, इसका बैटर पूरा ब्लैक कलर में आ चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी ताकि वो जो नारियल के जो आउटर शेल्स जो भुनने के बाद में जो क्रिस्पनेस बना हुआ रहता है वो क्रिस्पनेस इसके अंदर में से हट जाता है। डाल रहे अभी हम इसके अंदर में ट्रे में। तो इसको प्रिपेयर होने के लिए कितना टाइम लगता है अंदर टोटल? इसको सिमर के अंदर जाने का 5 to 7 minutes लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये बनने के लिए। ओके, ये देखिए ये अभी जाएंगे इस बड़े से स्टीमर में। पांच से सात मिनट में बन जाए। तो ये ब्लैक एंड रेडी हो गई अपनी। हाँ, बस निकाली है। ये देखिए, ये हो गया आपका ब्लैक एंड रेडी। कितनी जबरदस्त दिख रही है ब्लैक में, देखिए। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको ये डालते हैं थोड़ा सा घी। घी डालने से क्या है, डिटॉक्स जब होता है बॉडी तो उसके लिए घी बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करता है इंटेस्टाइन और हथेलियों के अंदर में, इसका बहुत प्यारा हो जाता है। और ये किस चीज की चटनी है ना? ये पीनट और कैशुनट स्टॉक। पीनट और कैशुनट से बनती है। तो ये स्पाइसी होती है या कैसा? जैसा मीडियम रहता है, हल्का मीडियम स्पाइस रहता है चटनी। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए ब्लैक इडली, ब्लैक इन इडली। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं।